मोरबी में सबसे बड़ी बाढ़ के 100 वर्ष पहले सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया था। इसका उद्घाटन तत्कालीन गवर्नर रिचर्ड टेम्पल ने किया था। लेकिन सवाल यह है कि ब्रिटिश राज में गुजरात के इस शहर में यूरोपीय स्टाइल में इस तरह का पुल क्यों बनवाया गया, इसकी क्या वजह थी, क्या जरूरत थी, किसने इस पुल को बनवाया और यह क्यों टूट गया? मोरबी के इस ऐतिहासिक पुल की पूरी कहानी देखिए। जैसे ही कोई मोरबी में प्रवेश करता उसे ये सस्पेंशन ब्रिज आकर्षित करता था। नदी के किनारे का वो नजारा लोगों को विक्टोरियन लंदन का एहसास करवाता था। मोरबी का ये पुल साल 1989 में आई भयानक बाढ़ में बच गया। साल 2001 में आए विनाशकारी भूकंप में भी ये पुल खुद को बचाने में कामयाब रहा। लेकिन ये झूलता पुल रविवार को गिर गया, यानी जिस पुल को बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदा नहीं हिला पाए वो लापरवाही की भेंट चढ़ गया और मासूमों को ली लिया। लेकिन इस पुल को लेकर कई सवाल हैं, जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है। सवाल ये कि 140 साल पहले इस पुल को किसने बनवाया? गुलाम हिंदुस्तान में यूरोपियन स्टाइल के इस पुल को मोरबी में बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? वर्षों तक ये पुल मोरबी की शान रहा, जो कोई आम पुल नहीं था, क्योंकि कहा जाता है कि मोरबी के राजा इसका इस्तेमाल किया करते थे। गुजरात टूरिज्म के वीडियो में ये पुल खास तौर से दिखाया जाता है, जो महल को दरबार से जोड़ता था। बताया जाता है कि साल 1887 के आसपास मोरबी के तत्कालीन राजा वागजी ठाकुर ने इसे बनवाया था। मोरबी पर उनका शासन 1922 तक रहा। जब लकड़ी के इस पुल का निर्माण किया गया तो इसमें यूरोप की सबसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हुआ। बताते हैं कि मोरबी के राजा इसी पुल से होकर दरबार जाते थे। ये पुल दरबारगढ़ पैलेस और नजरबाग पैलेस यानी शाही महल को जोड़ता था। इस पुल को बनाने में तब 3.5 लाख रुपए की लागत लगी थी, जिसका सारा सामान इंग्लैंड से आया था। लोग यहाँ पहुँचकर यूरोप की तकनीक का अनुभव किया करते थे। कैमरे वाले फोन के आने के बाद सेल्फी का क्रेज बढ़ा और रविवार को क्षमता से ज्यादा लोग इस पुल पर इकट्ठा हो गए और ये टूट गया। राजकोट से 64 किलोमीटर दूर मोरबी में इमारतें 19वीं सदी के यूरोप की टक्कर की बनाई गई थी। मोरबी के पूर्व शासक अंग्रेजों की तकनीक से इतने ज्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने पूरे शहर में उसका इस्तेमाल किया। शहर में आने वालों का स्वागत ये पुल ही किया करता था, जो 100 साल पहले से भी अपने विशाल स्वरूप से लोगों को आकर्षित कर रहा था। पूरे शहर में यूरोपीय शैली की छाप बिखेरता था। गुजरात का मोरबी वो शहर है जो अपने साथ इतिहास को समेटे है। मोरबी के महल अपनी आधुनिक और ऐतिहासिक संस्कृति का मिश्रण है। इसी में से एक है मोरबी का वांकानेर पैलेस। इस महल पर यूरोपीय, मुगल और भारतीय कला की छाप साफ तौर पर देखी जा सकती है। मोरबी के राजा वागाजी ठाकुर और उनकी पत्नी मणिबाई की प्रेम कहानी भी मोरबी की पहचान है, जिनके प्रेम की निशानी के तौर पर मणि मंदिर आज भी मोरबी में पूरी शान से खड़ा हुआ है। लेकिन ये सस्पेंशन ब्रिज शानदार इंजीनियरिंग का उदाहरण था, जो बताता है कि आज से 150 साल पहले भी मोरबी के राजा की सोच कितनी प्रगतिशील और वैज्ञानिक थी। उत्तराखंड में गंगा नदी पर बने राम और लक्ष्मण झूला की तरह काफी मशहूर था, जो आम पुलों से थोड़ा अलग था, जिसके दोनों सिरों पर मीनार नुमा ढांचों से जुड़े लोहे के तारों से पुल लटका होता था। हावड़ा ब्रिज हो या फिर प्रयागराज का नैनी पुल, दिल्ली का सिग्नेचर पुल, ये सभी इसी श्रेणी के ब्रिज हैं, जिसे बनाने में समय और लागत कम आती है। लेकिन सवाल यह है कि जिस पुल को बड़ी बड़ी आपदा नहीं गिरा सकी, वो 765 फीट लंबा पुल मरम्मत के बावजूद कैसे गिर गया? इस सवाल पर प्रोफेसर सेवाराम ने हमें 3 वजह बताएं। किसी भी सस्पेंशन ब्रिज के फेलियर होने के 3 या 4 मुख्य कारण होते हैं। एक तो ये है कि उसके ऊपर जो लोड है वो ज्यादा
लोड आ गया। दूसरा एक हम उसको अपनी टेक्निकल भाषा में, तकनीकी भाषा में उसको पॉइंट लोड बोलते हैं। अगर एक ही जगह पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएं तो वहां पर बहुत सारा लोड इकट्ठा आता है। और तीसरा हम उसको अपनी भाषा में इम्पैक्ट लोड बोलते हैं। इम्पैक्ट लोड का मतलब ये हुआ कि आप उसको या तो जंप कर रहे हैं तो उसके हिसाब से भी वो कहीं ना कहीं एकदम से एक पॉइंट पर लोड पड़ता है, तो वो कहीं ना कहीं आपके केबल्स को डिस्टर्ब करता है। रविवार और दिवाली की छुट्टियां होने की वजह से इस पुल पर क्षमता से ज्यादा लोग पहुंच गए और हादसा हो गया। पुल गिरने के बाद लोग एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े। इस हादसे के बाद कुछ लोगों के उछलने कूदने और ब्रिज केबल को लात मारने के पुराने वीडियो भी सामने आए, लेकिन इस पुल से मिले सीसीटीवी वीडियो में कोई भी ऐसा करता नहीं मिला। तो क्या ये पुल अपनी उम्र पूरी कर चुका था और मरम्मत के दौरान इसके जर्जर हिस्सों को ठीक ढंग से नहीं बदला गया? क्योंकि कई बार इस तरह के पुल में नई केबल तक डाल दी जाती है और कई बार टावर रीडिजाइन किए जाते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या रेनोवेशन में चूक हुई? क्या लगता है आपको, जो रेनोवेशन जब किया जाता है ऐसे ब्रिजेस का, किन फैक्टर्स का आप ध्यान रखा जाता है और क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं जो ओवरलुक किए गए होंगे जिसकी वजह से ये घटना घटी? ये जो आपका डेक है ये दो केबल से सपोर्ट होता है इसमें। अगर इसमें एक भी केबल टूट जाएगी तो वो जो डेक है वो आपका कहीं ना कहीं उलट जाएगा और उलटने की वजह से डेक है वो टेढ़ा हो जाता है और डेक टेढ़ा होते ही वो कहीं ना कहीं पूरा का उसका जो एक केबल के ऊपर उसका पूरा लोड आ जाता है। एक तो लोड आ जाता है, दूसरा कहीं ना कहीं वो नेचुरली वो दो केबल से सपोर्ट था तो वो दो रोड से सपोर्ट था तो कहीं ना कहीं टूटने की वजह से सारा लोड अगर एक पे आ जाएगा तो कहीं ना कहीं वो टूटेगा। जहाँ एंट्री है, प्रवेश है, वहां पर इसको दिखना चाहिए कि आप इस तरह से, लेकिन प्रवेश के साथ साथ हमें इसको कंट्रोल भी करना चाहिए कि हम जो संख्या है जो वहाँ किसी तरह से वहाँ बढ़ ना पाए। और अक्सर ये देखा गया कि लोग सस्पेंशन ब्रिज पे जाकर के खड़े हो जाते हैं, कुछ व्यक्ति होंगे तो कोई प्रॉब्लम, लेकिन अगर काफी व्यक्ति एक जगह खड़े होंगे तो कहीं ना कहीं लोड भी बढ़ता है। तो ये चीजें भी होंगी, ये चलने के लिए बना है ना कि एक जगह खड़ा होने के लिए। अगर पुल को सभी इजाजत के बाद खोला जाता, उसकी ठीक से मरम्मत होती और पुल से पहले चेतावनी बोर्ड लगे होते तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। लेकिन इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद जांच की रिपोर्ट का इंतजार करने के नाम पर इससे जुड़े अहम सवालों को टाला जा रहा है। गोपी मनिहार, मोरबी आज तक।